योगी जी, ऐसा क्यों है कि योगी आदित्यनाथ को बहुसंख्यक सीएम के तौर पर या बहुसंख्यकों का सीएम के तौर पर बार बार सोच का फर्क है। दुर्भाग्य ये रहा है कि हम आजादी के बाद राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से हट करके जाति मत और मजहब के जिस एक नए कलेवर को हम लोगों ने देश के अंदर उड़ाया, उसने भारत के अंदर लोगों को फिरके फिरके में तो बांटा, लेकिन विकास और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया। आज जब इन कार्यक्रमों को हम लोग करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, 55 वर्षों तक शासन करने के दौरान उस पार्टी को क्या ये गरीब नहीं दिखाई देते? जिन गरीबों को आज आवास मिल रहे हैं, क्यों नहीं उसने दिया? अगर मोदी जी दे सकते हैं तो ये काम पिछली सरकारें भी दे सकती थी। रसोई गैस कनेक्शन 8 करोड़ लोगों को कांग्रेस भी दे सकती थी। विद्युत के कनेक्शन कांग्रेस, सपा, बसपा भी दे सकती थी। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की का बीमा कवर, ये कांग्रेस, सपा, बसपा भी दे सकती थी, इन्होंने तो नहीं दिया। यानी इनकी सोच देखिए, ये लोग शासन की योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचाएंगे, जब सत्ता में आएंगे तो परिवार और जाति तक सीमित हो जाएंगे, जब सत्ता में आएंगे तब इनके एजेंडे बदल जाएंगे, लेकिन शेष समय समाज को बांटने के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़े, अव्यवस्था और अराजकता बढ़े, कानून के राज के सामने चैलेंज दिखाई दे। और मुझे लगता है कि जनता को यही देखने की आवश्यकता है। और मैं तो अपील करूंगा, आज के दिन पर हर एक भारतवासी को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हाँ, हम अपनी समस्या का समाधान संविधान सम्मत तरीके से करना जानते हैं और करेंगे भी। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, वह दिन सबसे शांतिपूर्ण दिन था। एक भी घटना, यानी एक सामान्य धक्का देने की घटना भी नहीं घटित हुई। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, वह तिथि थी। और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जब हमने अपने संविधान के प्रति और अपनी भारतीयता के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करते हुए व्यक्त किया है कि नहीं, कोर्ट जो फैसला देगा हम सब मानेंगे। और सबने माना, बहुत सभी अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सबने कहा कि नहीं, कोर्ट ने फैसला दिया। जिन लोगों को कभी न भारत के संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास है, न उनको किसी लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास है, उनको अगर महिलाओं को अधिकार दो तो भी उनको दिक्कत है, अगर कहीं कोई घटना घटित हो जाए तो दिक्कत है, कोई घटना को रोक दिया जाए तो भी दिक्कत उनको होती है, उनको एक कुछ चुने गिने चेहरों को, मोहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हृदय से स्वागत किया था। और आज के कार्यक्रम को भी हर एक समाज का, हर तबका, आज जिस प्रकार से देश और दुनिया ने इस कार्यक्रम को सराहा है, स्वीकारा है, अभिनंदनीय है।